हाय गाइस, मैं सीतल। मुझसे आपका परिचय तो पिछले वीडियो में हो ही चुका है ना? नहीं, क्यों? क्या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, वरना आप ऐसे ही हमारे सारे वीडियोस को मिस करते जाएंगे। जब बात रंगीन पौधों की आती है तो सबसे पहला नाम कोलियस का आता है, बिकॉज इसके पत्ते दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं। आप इसको अपनी बालकनी में खूबसूरती के लिए भी लगा सकते हैं और इसे ज़्यादा धूप के नहीं, हल्की धूप में भी चल सकते हैं। इसे ज़्यादा धूप कम धूप से इसको कोई मतलब नहीं है, ये सालों साल आपकी बालकनी की खूबसूरती बरकरार रखेंगे। बट जब भारत में इस तरह की गर्मी बढ़ रही है, अप्रैल से जून तक जो गर्मी होती है, इसमें तो कोई भी पौधा मर जाएगा। बेचारे ओलियस कहाँ तक सरवाइव करेगा? बट इसकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कैसे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। मैं हूँ ना, डोंट वरी। कोलियस का पौधा बहुत सारे खूबसूरत रंगों में आता है। आप ये देखें, ये डार्क मरून कलर है, इसकी हमने एक कटिंग ली है। ये दूसरा कलर है, इसके पत्तों का आकार थोड़ा छोटा है। और ये तीसरी कटिंग हमने ली है, इसके पत्तों पे आकार बड़ा है, किनारे डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले इस पौधे को लगाना कैसे है, देखिए हम जो लोअर लीव्स हैं इनको रिमूव कर देंगे। बहुत सिंपल है, सारे लीव्स को रिमूव करना है। आप ये हाथ से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं, किसी सीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग पानी में लगाने वाले हैं। इसी तरह से सेम प्रोसेस से हम लोग दूसरी कटिंग भी रेडी कर लेंगे। इसके जो भी साइड से लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं, उसको हम कट कर दे रहे हैं सो दैट रूट्स ईजीली आ जाएँ। वैसे पता है ये जो छोटी सी ब्रांच हमने काटी है, इसको भी अगर हम पानी में डाल देते हैं तो यहाँ से रूट्स आ जाएंगी और ये एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। मैं करके दिखा देती हूँ, जो एक हफ्ते के बाद मैं अपडेट दिखाऊंगी उसमें आपको इसके साथ जड़ें भी नज़र आएंगी। सिमिलरली ये तीसरी कटिंग है, इसकी भी हम लोअर लिप्स को रिमूव कर लेते हैं। ये काफ़ी लोअर लिप्स हमने रिमूव कर लिए हैं और ये कटिंग पानी में जाने के लिए रेडी है। ये हमने बेसिकली जो यहाँ पे कटिंग्स तैयार की हैं, नंबर ऑफ कटिंग्स हमारी यहाँ से दो, ये दो कटिंग, ये तीसरी और ये चौथी कटिंग है। इस चारों कटिंग को हम पानी में लगाएंगे। सीसी का ग्लास हम ले सकते हैं, इसमें हम कटिंग्स को डालेंगे। 1, 2, 3 एंड दिस वन इज द लास्ट वन, 4th। अब इसमें डालना है पानी। नॉर्मल टैप वाटर का हम इस्तेमाल करेंगे, मिनरल वाटर अवॉइड करना चाहिए। मिनरल वाटर में क्या होता है कि पानी से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, जो हमारे लिए शायद नुकसानदेह हो सकते हैं लेकिन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नॉर्मल टैप वाटर में रखना है, इसको इंडोर रखना है। इतना निश्चित कर लें कि निचला हिस्सा कम से कम 1 सेंटीमीटर जो है वो पानी में डूबा होना चाहिए। और एक हफ्ते के बाद इसकी अपडेट जब हम देखेंगे तो इसमें पूरी तरह से रूट्स आ गई रहेंगी। इसको आप चाहें तो पानी में भी रख सकते हैं और चाहें तो बाद में इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका प्लांट 30 से 60 सेंटीमीटर तक का होता है। हमने 3 से 4 दिन पहले कोलियस के अलग अलग प्लांट्स की कटिंग पानी के ग्लास में लगाई थी। सारी कटिंग्स को मैं बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगी कि किस में रूट्स आए हैं और किस में नहीं और रूट्स की कितनी डेवलपमेंट हुई है। ये देखिए, ये कितनी छोटी सी कटिंग है, कलर भी लीव्स का कितना खूबसूरत है। रूट्स की साइज़ देखिए ज़रा, 1 इंच से ज़्यादा बड़े रूट्स हैं और ये बहुत ही शानदार है। ये कटिंग किसी भी टाइम मिट्टी में जाने के लिए रेडी है, चाहें तो इसको कंटिन्यू वाटर में भी रख सकते हैं। ये कटिंग जाने के लिए लेकिन मिट्टी में रेडी है, ये रेडी हो चुका है प्लांट आपका। अगर हम बड़े कटिंग की बात करें, ये हमारी काफ़ी बड़ी कटिंग थी, लीफ का कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी खूबसूरत है।
ये बड़े आकार की कटिंग थी, स्टेम मोटा था। ये जो आप हल्के हल्के वाइट निशान देख रहे हैं, यहाँ से रूट्स बाहर आएंगे। ये एक एक सेंटीमीटर का छोटा सा रूट आया भी है, ये दूसरा रूट है, यहाँ पे भी आप रूट्स देख सकते हैं। लेकिन पतली कटिंग में रूट ज़्यादा आई थी और मोटी कटिंग है इसमें रूट्स अभी कम है, ये नोटिस करने लायक चीज़ है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो इसका ध्यान रखें। ये देखिए, ये भी मोटी कटिंग हमने इस्तेमाल की थी, लीव्स थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी, इसमें अभी तक कहीं रूट्स नहीं आया है, सारी कटिंग्स हमने एक साथ लगाई थी। इसका मतलब है कि बड़ी और मोटी कटिंग्स में रूट शायद थोड़ी देर से आते हैं। ये ज़्यादा टेंडर था स्टेम कंपैरेटिवली, तो इसमें काफ़ी सारे रूट्स आ गए हैं। वापस हम इसे पानी में डाल दे रहे हैं, हालांकि ये मिट्टी में जाने के लिए रेडी है। देखिए, जितनी छोटी और जितनी टेंडर कटिंग्स का हमने इस्तेमाल किया है उसमें रूट्स उतने ही बड़े हैं, जितनी छोटी कटिंग उतने बड़े रूट्स। ये देखिए कितने सारे रूट्स आए हैं और कोलेज के कितने सारे कलर के हमने लगाए थे। ये देखिए, ये सबसे छोटा वाला, छोटी लीव्स वाली वैरायटी है, बट रूट्स इसमें भी आ गए हैं। ये सरप्राइज़ करने वाला है, ये आपको खुशी देने वाला मोमेंट है। ये प्लांट्स आपके रेडी हैं और ये मिट्टी में जाने के लिए तैयार हैं। आप इनको अलग अलग पॉट में लगाएं, कम से कम 8 से 10 इंच के गमलों का इस्तेमाल आप करें और इसको एक कटिंग को एक गमले में लगाएं, तो ये काफ़ी फैलेगा और फिर देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक कटिंग से कई कटिंग बना सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी नहीं है और आप इसको पानी में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो एक से ज़्यादा रंग की कटिंग्स को भी आप एक ही साथ ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये पानी में है, ये पानी में कंटिन्यू भी रह जाएगा, आप इसको पानी में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको 3 से 4 दिन के अंतराल पे इसका पानी चेंज कर देना पड़ेगा, फिर आप इसको अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, आप ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं, आप डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, कहीं भी ये अट्रैक्टिव लगेगा। और रूट्स तो इसमें हैं ही, तो प्लांट आपका लाइव रहेगा। चलिए, कुछ हफ्तों के अंतराल के बाद हमने हमारी कटिंग्स जो पानी में लगाई थी उसकी अपडेट्स हम देख लेते हैं। खूबसूरत लगने के लिए मैंने इसे खूबसूरत क्रिस्टल बोल में प्लेस कर दिया है। ग्रोथ इसकी क्या है, पत्ते आप देख सकते हैं अभी भी कलरफुल हैं। नई बात यह है कि इसमें फूलों का आना शुरू हो गया है, ये अच्छी बात है। रूट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो रूट की ग्रोथ देखिए, चौंकने के लिए रेडी है ना। ये देखिए कितने बड़े रूट्स हैं, और जो भी हिस्सा पानी को टच कर गया वहाँ पे रूट्स आ गए हैं। कितनी शानदार ग्रोथ है रूट्स की। आप इसे यहाँ से कट कर देंगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा, एक प्लांट ये और एक ये मेन प्लांट रह जाएगा, क्योंकि इसमें रूट्स तो बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही शानदार हैं। अगले कुछ महीने हम इसको पानी में रख सकते हैं क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है। पत्ते बहुत खूबसूरत हैं अभी भी, रंग वैसे के वैसे बरकरार हैं। हाँ, वीकली आपको इसका पानी ज़रूर चेंज करना पड़ेगा, और आजकल इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत तेज़ी से इसमें डाउन हो जाता है, तो इसलिए आपको हो सकता है हर दूसरे दिन इसमें पानी डालना पड़े। ये देखिए काफ़ी अच्छी रूट ग्रोथ हुई है, जो हमने बड़ी कटिंग लगाई है वो तो बहुत ही अच्छी ग्रो हुई है। मैं इसे दिखाने के लिए फ़िलहाल अलग ही रखती हूँ। ये देखिए, जब हम इसे पानी में डालते हैं तो रूट फैल जाते हैं और उनकी ग्रोथ ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। देखिए कितने बड़े और कितने शानदार रूट हैं, हेल्दी रूट हैं। हेल्दी रूट्स मीन्स हेल्दी प्लांट। इसी तरह से हम, ये देखिए ये कटिंग में भी ऐसे ही काफ़ी बड़ी बड़ी जड़ें आई हुई हैं। कुछ पत्तियां देखिए टूटकर गिर रही हैं, हम इन्हें टाइम टू टाइम हटा देंगे, क्योंकि ये जब पानी में सड़ेंगी तो पानी ख़राब हो जाएगा, पानी से बदबू आएगी, तो टाइम टू टाइम पानी को चेंज करना ज़रूरी होता है। सिमिलरली हमने छोटे कटिंग्स भी कुछ लगाए थे, ये देखिए इनमें भी रूट ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। तो छोटी या बड़ी कटिंग से कुछ नहीं होता, नई लीव्स आ भी रही हैं और पुरानी लीव्स थोड़ी ख़राब हो रही हैं, ये नेचुरल है, बिल्कुल भी नेचुरल चीज़ है। ये देखिए यहाँ भी रूट ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, प्लांट इज स्टिल हेल्दी
इसको अभी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, बट अभी अगले 3 महीने इसको मिट्टी में भी आप लगाएंगे तो इसको इंडोर रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। ये जो हमने अलग वैरायटी की लगाई थी कोलियस, देखिए पौधे से बड़ा उसका जड़ आ गया है, ये डिफरेंट है, इसलिए हमने इसे छोटे पॉट में रखा था। जितनी सारी भी कटिंग्स हमने लगाई थी, हर एक कटिंग में रूट्स आ गई है और ये रूट्स देखिए उलझ गए हैं। थोड़ी सावधानी के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जो हमारी एक उंगल की कटिंग थी उसमें भी रूट आ गए हैं और काफ़ी हेल्दी रूट है। हर कटिंग में रूट आया हुआ है और नए पत्ते आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, इट मीन्स कि ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये देखिए आप ऐसे चाहे जितने पौधे पॉट में डालकर अपने घर के अंदर रख सकते हैं। ये मैंने छोटे कटिंग्स को छोटे बोल में रखा है, बड़े कटिंग्स को बड़े बोल में रखा है। आप चाहे तो अपने किसी भी पॉट्स में रख सकते हैं, जितनी खूबसूरत आपकी पॉट्स होगी उतने ही देखने में ये खूबसूरत लगेंगे। अगले 3 महीने में आप इन्हें अपने घर में सेव करके रख सकते हैं, बाद में आप इसे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई ना, ज़रूर आई होगी, अगर आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने घर में भी कुछ ऐसे ही रंगीन पौधे लगाएं ताकि आपकी ज़िंदगी भी इन रंगीन पौधों की तरह हरी भरी और खुशहाली भरी रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।